गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 5.1 के अंदर 7 क्वेश्चन किए थे। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के अंदर अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8। यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। ओके, हमें क्या दिया गया है, मैट्रिक्स ए दी गई है और हमें सिद्ध क्या करना है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम आव्यूह इज इक्वल टू, ये हमें सिद्ध करना है, कोस 12 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा कोस 12। ओके, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या होगा, चूंकि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उनकी पंक्तियों को हम किस में चेंज करते हैं, स्तंभ में चेंज करते हैं, तो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो। तो क्या है आपके पास, वन टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा 1। ओके, ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे ए का इनवर्स यानी मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम आव्यूह। और मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम आव्यूह हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, सारणिक। ओके, तो इसका सारणिक निकालो, ए का सारणिक इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स किस कोटि की है, 2x2 ऑर्डर की है, तो इसका सारणिक कैसे निकालेंगे, इसको इससे गुणा किया तो 1, बीच में क्या आता है माइनस, 10 को 10 से किया तो 10 स्क्वायर अल्फा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नॉट इक्वल क्या हमारे पास ये 0। इसका मतलब मैट्रिक्स ए का सारणिक का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है आपके पास, ये अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। यदि ए की सारणिक का मान 0 आ जाता है तो इस आव्यूह ए का हम क्या नहीं निकाल सकते, ए इनवर्स, तो इसका मान 0 नहीं है, इसका मतलब इसका क्या है, अस्तित्व है। ओके, नेक्स्ट, अब हम क्या निकालेंगे इसका, ए इनवर्स, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन में ए का सारणिक। तो ए का सारणिक तो हम निकाल चुके, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। देखो, जब आपके पास मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की होती है तो उसका हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, प्रत्येक अवयव के हम पहले क्या निकालते हैं, सहखंड। सहखंड निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि सहखंड से बनी मैट्रिक्स और फिर उसका हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज। वही काम हम इसका भी करेंगे कि आपके पास जो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की है, 2x2, तो इसके सहखंड कितने आएंगे, 4, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 4। फिर सहखंडों से बनी क्या निकालेंगे हम, मैट्रिक्स। तो इसके अंदर देखो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2x2। जब आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 होता है तो उसका हम एडजॉइंट हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसका एडजॉइंट निकालूं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का, सिर्फ डायरेक्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स का इसी का निकलेगा जिसका ऑर्डर कितना हो, 2x2। 3x3 ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का तो उसका हम डायरेक्ट एडजॉइंट नहीं निकाल सकते, फिर तो हम उसका प्रत्येक अवयव के सेकंड निकालेंगे, फिर उनसे बड़ी मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, इसके बाद आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, एडजॉइंट ए की। लेकिन जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 होता है तो उसका हम डायरेक्ट एडजॉइंट ऐसे निकालेंगे, इन दोनों को तो हम चेंज करेंगे, 1 1 इधर माइनस का टेन अल्फा और ये आपके पास प्लस का टेन अल्फा, ये हमारे पास हो गया एडजॉइंट ए। देखो कैसे करेंगे हम, जो ये जो डायगोनल आपके पास 1 1, इन दोनों के अवयव को तो हम चेंज करेंगे, यहां जैसे मान लो 2 हो या 5 हो तो 5 यहां चला जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, लेकिन यहां दोनों में क्या है, 1 1, इसका मतलब 1 1।
फिर इस काम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ओके, फिर आपके पास फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके पास एक एग्जाम्पल और दूं आपको, जैसे ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, एज इक्वल टू 2, 4, -4, 5 और 3, इसका मैं एडजॉइंट निकाल रहा हूं, तो इसका एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों को तो चेंज कर दो, चेंज का मतलब 3 को तो ऊपर भेज दो और 2 को नीचे लिख दो। ओके, और इन दोनों की क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। देखो ये माइनस का तो क्या कर दो, प्लस का, ये प्लस का तो किसका कर दो, माइनस का। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, एडजॉइंट ऑफ ए का मान। ओके, यानी इन दोनों को तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो 3, 2, और इन दोनों के क्या चेंज करने हैं, साइन, सिर्फ या माइनस है तो प्लस और या प्लस है तो माइनस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए आ गया, तो एडजॉइंट ए आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स। तो इंप्लाइज ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में ए का सारणिक। ओके, तो ये इनवर्स निकाल लो, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए की सारणिक की वैल्यू कितनी बेटा, ये रही 1/1 + tan²α। फिर एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, 1 - tan α, tan α 1। ओके, अब 1/1 + tan²α को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -tan α से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर tan α से, फिर 1 से, यानी मैट्रिक्स के बाहर जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू को मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ओके, तो इसको गुणा करो बेटा, तो इज इक्वल टू, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई किया, कितना है आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/1 + tan²α। ओके, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -tan α / 1 + tan²α। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो tan α / 1 + tan²α, फिर 1/1 + tan²α। ये किसकी वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू है ए इनवर्स की वैल्यू। ओके, ए इनवर्स का मान आ गया, और एडजॉइंट नहीं हो सॉरी, ए का ट्रांसपोज, तो देखो ए का ट्रांसपोज आ गया और ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, लेफ्ट साइड आ गई ना, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके हमें ये वैल्यू लेकर आनी है अभी। ओके, लेफ्ट इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। ओके, इज इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 - tan α / 1 इज इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज है 1 - tan α, tan α 1 इंटू ए इनवर्स की वैल्यू है 1/1 + tan²α - tan α / 1 + tan²α, फिर tan α / 1 + tan²α - 1/1 + tan²α। ये तो हमारे पास है ए का ट्रांसपोज की वैल्यू इनटू में ए का इनवर्स। अब इसको सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू, देखो एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ही, अब हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो एक को इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया, 1/1 + tan²α, फिर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का tan²α अपॉन में 1 + tan²α, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गया तो माइनस का
टेन अल्फा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस टेन अल्फा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करो तो टेन अल्फा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन अल्फा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, उसके बाद दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस सॉरी प्लस वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, अब इस मैट्रिक्स के अंदर चार अवयव है, चारों अवयव का एलसीएम कितना है, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 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 तो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा एलसीएम ले लो। ऊपर क्या हुआ, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, उसके बाद देखो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा एलसीएम आ गया हमारे पास। ऊपर देखो ये माइनस माइनस बाहर क्या ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा, कितने हो गए टू टेन अल्फा। वही कंडीशन इसमें देखो, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा एलसीएम है, ऊपर क्या हुआ टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा कितना हुआ टू टेन अल्फा। ओके, फिर यहां कॉमन एलसीएम लो, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ऊपर क्या हुआ वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। अब आपके पास देखो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला आपके पास होता है कोस टू अल्फा का, कोस टू अल्फा, ये फॉर्मूला होता है साइन टू अल्फा का, बाहर माइनस माइनस, ये फॉर्मूला होगा साइन टू अल्फा का, ये आपके पास है कोस टू अल्फा का। हम कौन सी साइड लेकर चल रहे थे, एलएचएस, तो एलएचएस इज इक्वल टू, ये कौन सी साइड है आरएचएस, इसका मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस। ओके, ये हमारा सिद्ध हो गया, यानी एलएचएस लिया हमने और हमने क्या शो कर दिया आरएचएस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है 10 का, यदि आवयु a इक्वल टू माने 60 5 2 4 जिसका ऑर्डर है 2 बाई 2 है, तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 42i इज इक्वल टू 0, तत्पश्चात a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, i का मतलब है आइडेंटिटी, जिसकी कोटे कितनी है 2 बाई 2 यानी 1001। ओके, और ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है, फिर हम क्या निकालेंगे a इनवर्स की वैल्यू। ओके, जो सिद्ध करना उसको लिखो पहले, लेफ्ट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 4a माइनस के 42i। ओके, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा आपके पास a इंटू ए प्लस का 4a माइनस का 42i, वैल्यू पुट कर दो यहां, a इंटू ए माइनस का 8 5 2 4 इंटू माइनस 8 5 2 4 प्लस 4 इंटू मैट्रिक्स a माइनस 8 5 2 4 माइनस के 42 इंटू आई आइडेंटिटी 1001। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो माइनस 8 को माइनस 8 से गया तो कितना आया आपके पास 64 प्लस का 10, फिर माइनस का 40 प्लस 20, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से माइनस का 16 प्लस 4 थोड़े 8 प्लस का 10 प्लस का 4 चौके 16। ओके, प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया कितना आया माइनस के 8 चौक 32, तो माइनस का 32 5 चौक 20 4 दूनी 8 4 चौके 16 प्लस माइनस 42 को अंदर मल्टीप्लाई किया कितना आया माइनस के 42 0 0 माइनस 42। ओके, 64 और 10 कितने होते हैं हमारे पास 74, माइनस 40 प्लस 20 माइनस का 20, माइनस 16 और प्लस 8 माइनस का 8, 10 और 16 कितने हो गए 10 और 16 कितने हो गए 26। प्लस माइनस 32 20 8 16 प्लस
माइनस बयालीस, जीरो जीरो माइनस बयालीस। ओके अब इसको जोड़ दो, मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स, चौहत्तर माइनस बत्तीस माइनस बयालीस, माइनस बीस प्लस बीस प्लस जीरो, माइनस आठ प्लस जीरो, छब्बीस प्लस सोलह माइनस बयालीस इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो। और ये हमारे पास कौन सा, आपके पास ये जीरो मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि एल एच एस इज इक्वल टू क्या हुआ, आर एच एस, सीधो गया ना, यानी लेफ्ट इज इक्वल टू राइट साइड। ओके अब हमें क्या सिद्ध, अब हमें किसका मान निकालना है, अब हमें वैल्यू निकालनी है ए इनवर्स की, यानी इसका मान हमने सिद्ध कर दिया लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आएगी। अब इसका मान निकालेंगे हम ए इनवर्स, ए इनवर्स का मान इसकी सहायता से निकालेंगे हम। ओके तो ए इनवर्स का मान इसकी सहायता से कैसे निकाले, इसको मैं नाम डाल देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। ओके अब हम चलेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक क्या हमारे पास, a इंटू ए प्लस का फोर ए माइनस का बयालीस आई इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ये हमारे पास समीकरण एक। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a इनवर्स की वैल्यू, तो हम इसके दोनों पक्षों को a इनवर्स से गुणा करेंगे हम। ओके ए इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा कर दो तो कितना आया, ए इंटू ए इनवर्स प्लस फोर ए इंटू ए इनवर्स माइनस बयालीस I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो इंटू ए इनवर्स। ओके अब यहां देखो आपके पास, चूंकि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है I आइडेंटिटी, क्यों, जैसे मैं लिखू दो गुणा दो की पावर माइनस एक कितना आएगा एक, ऐसे दो गुणा दो की पावर माइनस एक इज इक्वल टू कितना आएगा एक। ये तो होती है संख्या के अंदर, ये मैट्रिक्स है ए इंटू ए इनवर्स, यानी ये तो मैट्रिक्स है और ए इनवर्स क्या है, मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम आव्यूह, तो ये दोनों कट गए कितना बचा आई, आई का मतलब आइडेंटिटी। ओके दूसरा है ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा ए इनवर्स, तीसरा हमारे पास है ए इंटू आई इज इक्वल टू क्या आएगा ए, क्यों, जैसे मैं पांच को एक से गुणा करूं तो पांच, दस को एक से गुणा करूं तो दस, वही कंडीशन इसके ऊपर लगेगी। मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी से गुणा किया तो मैट्रिक्स ए आएगी, ए इनवर्स को मैं आई से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स आएगा, आई है आइडेंटिटी यानी इकाई आव्यूह। ओके दूसरा हमारे पास जीरो मैट्रिक्स को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा आपके पास जीरो आएगा, तो वो ये तीनों कंडीशन यहां अप्लाई कर दो तो क्या हुआ हमारे पास, यहाँ ए इंटू ए इनवर्स कितना आया आई, तो मैं क्या लिखूं ए इंटू आई। ओके प्लस ए इंटू ए इनवर्स कितना हुआ आई, इसका मतलब फोर आई, माइनस आई इंटू ए इनवर्स कितना हुआ ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो। वेलो में किसकी निकालनी है ए इनवर्स, तो इस मान को इधर लेकर जाओ तो इधर गया था किसका हुआ ये प्लस का बयालीस, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू आई कितना हुआ मैट्रिक्स ए प्लस का फोर आई, अब ये मत कर देना फोर आई को आई से मल्टीप्लाई किया तो फोर, नहीं ये आपके पास संख्या है और ये क्या है कि मैट्रिक्स। ओके अब वेल्यू पुट करो, मैट्रिक्स ए की वेल्यू कितनी है हमारे पास माइनस आठ पांच दो चार प्लस फोर इंटू आइडेंटिटी वैल्यू वन जीरो जीरो वन, सरल करो इसको, माइनस का आठ पांच दो चार प्लस चार जीरो जीरो चार, दोनों को जोड़ दो, माइनस आठ प्लस चार कितना हुआ माइनस आठ प्लस चार, नहीं हाँ माइनस आठ प्लस चार कितना हुआ माइनस का चार, पांच प्लस जीरो पांच दो चार चार आठ। इधर हमारे पास क्या है बयालीस ए इनवर्स, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है ए इनवर्स, इसका मतलब बयालीस को इधर भेज दो,
बयालीस किस में जाएगा, भाग में, तो वन अपॉन बयालीस इंटू माइनस फोर फाइव टू एट, ये हमारे पास किसका मान है, ए इनवर्स, यानी मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम आव्यूह। कैसे करेंगे, इस टाइप से समीकरण ए के दोनों पक्षों को किससे गुणा करो, ए इनवर्स के दोनों पक्षों को गुणा करो, फिर आपके पास ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ए इंटू ए इनवर्स आई, ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स ए इंटू आई ए, येलो लिख दो। जिसका मान निकालना है वो तो किधर कर दो, लेफ्ट साइड में, बाकी कहां डाल दो, राइट साइड में, फिर यहां वेल्यू पुट कर दो, वेल्यू पुट करने के बाद आपके पास किसका मान आ जाएगा, ए इनवर्स का मान आ जाएगा। ओके, तो एक्सरसाइज 5.1 आपके पास कंप्लीट, कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। ओके, धन्यवाद।